हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राफिया। सो गाइस, मुझे कुछ लड़कियों के डीएम्स आए हुए थे कि उन्हें ऑफ शोल्डर और सी थ्रू और शिफॉन इस तरह के टॉप के नीचे क्या पहनना चाहिए, लाइक वो काइंड ऑफ इनरवेयर दे शुड वेयर। और क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉर्मल रूटीन में हम इनरवेयर पहनते हैं उसके यहाँ से स्ट्रैप्स दिख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके ऑफ शोल्डर टॉप्स के नीचे अच्छे नहीं लगते। तो आज मैं बाकी सारे टॉप्स की डिस्कशन तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि आप ऑफ शोल्डर टॉप्स के नीचे क्या पहन सकते हैं, और अगर आप थोड़े से स्किनी हैं तो फिर आपको किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, और अगर आप थोड़े से चबी हैं तो फिर आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। सो यस, और जिस वेबसाइट से मैंने अपने ऑफ शोल्डर टॉप्स के नीचे पहनने के लिए इनरवेयर जहाँ से ऑनलाइन मंगवाया था, मैं अगर उनके पास अभी वो अवेलेबल हैं चीज़ें तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि आप भी वहाँ से ऑर्डर कर सकें। और अगर मेरे बाल आपको अगर क्या आई एम श्योर मेरे बाल आज बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने एक बनाना मास्क बनाकर दिखाया था और लगा कर भी दिखाया था। सो ये उसके आफ्टर रिजल्ट्स हैं। सो गाइज, दिस इज़ द काइंड ऑफ ब्रा यू विल हैव टू वेयर अंडरनीथ योर ऑफ शोल्डर टॉप, एंड इसको बोलते हैं बैंडो ब्रा, और इसके ये इस तरह से दिखती है। एनीवेज, और ये इस तरह से दिखती है, और इसके साथ जब ये आपको भेजते हैं तो इसके साथ अंदर उन्होंने पैड्स भी रखे होते हैं, लाइक ओनली इफ़ यू वांट टू वेयर दिस ब्रा विद द पैड्स और विदाउट द पैड्स इज दैट्स योर चॉइस। और हाँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मेंशन कर दूं कि अगर आप थोड़े से ज़्यादा बस्ती हैं तो लाइक इफ़ यू आर चबी तो आप ये वाली ब्रा शायद नहीं ठीक से पहन सकेंगे, क्योंकि ये उस साइज़ को कैरी नहीं कर पाएगी और ये या तो गिर जाएगी या मतलब गिर तो नहीं सकती, वैसे इसका इलास्टिक काफ़ी ज़्यादा टाइट है, लेकिन फिर भी वो आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो आप फिर उस सूरत में दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो आपकी स्ट्रैपलेस ब्रा होती है, जो कि बिल्कुल इट लुक्स लाइक अ ब्रा और वो ब्रा ही होती है, लेकिन उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो टाइटनेस होती है, जो उसका वो होता है, वो अच्छे से आपको वहाँ से क्या बोलते हैं यार उसको उसको ठीक से कवर करता है सारे एरिया को, और बस उसके स्ट्रैप्स नहीं होते और आप ये कर सकते हैं। सो गाइज, उस बैंडो ब्रा के साथ आपका जो ऑफ शोल्डर टॉप है वो इस तरह से दिखेगा। ऑब्वियसली जब आप दूसरी ब्रा पहनेंगे तो उसके स्ट्रैप्स दिखेंगे एंड ऑब्वियसली इट विल नॉट लुक गुड। और यस, और जो स्ट्रैपलेस ब्रा जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो भी आई गेस उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, लेकिन वो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप किसी शॉप से जाके ख़रीदिए, उसको ट्राई कीजिए, देन यू शुड गो फॉर इट। सो गाइस, द वन आई एम वेयरिंग इज़ इन द साइज लार्ज एंड एक्सेल, और अभी ये काफ़ी टाइम बाद मैं ट्राई करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए। आई एम मैंशनिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन कि आप लोग बाद में ये ना कहें कि हमने ख़रीद ली है और अब हमें पूरी नहीं आ रही और ये वो, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए, ये वाली बैंडो ब्रा उनके लिए है जो थोड़े से स्किनी हैं और जिनका बस्ट साइज इतना ज़्यादा नहीं है, ताकि ये उनको ठीक से सपोर्ट दे सके, और ये बहुत ज़्यादा बस्टी लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही है जो अभी मैंने आपको बताया कि आप वो क्या बोलते हैं उसको स्ट्रैपलेस ब्रा की तरह जा सकते हैं। और यस, तो वेबसाइट पे ऑर्डर करने के लिए आप बस आप अपना साइज़ देखिए, आप उसको मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज जो भी आपका साइज़ है आप उसमें कन्वर्ट कीजिए और आप अपने लिए वहाँ से ख़रीद सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ इट, और ऑफ शोल्डर के नीचे आपको क्या पहनना चाहिए, क्या किस तरह से पहनना चाहिए, और वो मैं आपको आज बता चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी और चीज़ के बारे में कुछ जानना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे मेरी वीडियो के, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे मैसेज भी कर सकते हैं। सो या, दिस इज़ इट, आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।